हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है चिकन सूप। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सूप बनी है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। जब भी आपको कुछ सेटिस्फाइंग खाने का मन करे जो ज़्यादा रिच ना हो, तो आप इसे बना के खा सकते हैं। और विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते रेसिपी चिकन सूप। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप कढ़ाई में तेल डालें। यहाँ पे 2 छोटे चम्मच तेल मैंने डाला है, साथ ही डाला है 1 छोटे चम्मच बटर भी। बटर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे जब बटर मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हमें डालना है 1 तेज़पत्ता और ग्रेट किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम में इसे हमें पकाना है कुछ देर के लिए। और यहाँ पे मैंने लिया है लगभग 200 ग्राम के करीब चिकन। इसे अच्छे से साफ कर लिया है और यहाँ पे बोन के साथ और बोनलेस दोनों टाइप के चिकन मैंने लिए हैं। और इसे एक एक करके हम अभी डाल देंगे तेल में। इसे हमें अभी बहुत अच्छे से फ्राई करना है, लेकिन फ्लेम यहाँ पे हम लोग लो टू मीडियम ही रखेंगे। चिकन वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्राई करने में। इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये ऑलमोस्ट कुक नहीं हो जाता। तो इसे आप चाहे तो ढक के पका सकते हैं, मैंने ढक के नहीं पकाया है। और आप देख सकते हैं जो चिकन है उसका कलर भी चेंज हो गया है और ये काफ़ी हद तक पक चुका है, 95% तो कुक हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। टोटल मैंने यहाँ पर 2.5 गिलास पानी यूज़ किया है। पहले मैंने 2 गिलास डाला है, उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स किया है। फिर मुझे लगा कि पानी थोड़ा सा और चाहिए, क्योंकि अभी ये काफ़ी बॉयल होगी तो पानी की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी, तो मैंने फिर 1/2 गिलास पानी और डाला इसमें। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से अब मिक्स करना है आपको। फर्स्ट में वेजिटेबल्स भी हम ऐड करेंगे इसी वक्त। तो मैंने यूज़ किया है स्प्रिंग ऑनियन वाइट, कैरेट्स, बीन्स। नमक भी डालना है हमें स्वाद अनुसार, पहले हमने नमक नहीं डाला था। और ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर और आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। पहले फ्लेम अभी मीडियम कर देंगे और इसे हम उबालेंगे। जैसे इसमें थोड़ा थोड़ा करके उबाल आना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, फिर हम इसे ढक के पकाएंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि जो चिकन है अच्छे से पक नहीं जाता है। जब ये अच्छे से पक जाएगा इसे हम अलग से निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। तो ये सारा जो चिकन है इसे निकाल लिया मैंने। और हमने 1 तेज़पत्ता भी डाला था, उसे भी हम अभी, उसका काम हो गया तो उसे भी हम अभी निकाल देते हैं। सारा फ्लेवर जो है वो आ गया है पानी में। चिकन जो है उसको हम अभी श्रेड करेंगे। तो अभी काफ़ी गर्म है चिकन, तो मैं यहाँ पे इसीलिए फोक का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इस तरह से आपको चिकन को श्रेड करना है। ये हाथ से ज़्यादा अच्छे से होता है, लेकिन काफ़ी गर्म है, वैसे हाथ तो थोड़ा लगाना ही पड़ेगा बाद में। और ये सारा चिकन मैंने शेड कर लिया है। अब जो सूप बॉईल हो रही है उसमें डायरेक्ट हम ये चिकन डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे हम ढक के नहीं पकाएंगे, इसे खुले में ही पकाना है, मीडियम फ्लेम में ही। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी, उसमें डालूँगी मैं 2 बड़े चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा पानी, क्योंकि जो सूप है उसको हम थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, इसलिए मैं ये कॉर्नफ्लोर अभी डालने वाली हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लें पहले। और ये जो सूप अभी बॉयल हो रहा है इसमें हम जो कॉर्नफ्लोर है उसे धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। तो पहले थोड़ा सा डालें, इसे मिक्स कर लें। इस तरह से डालने से जो कॉर्नफ्लोर है अच्छे से मिक्स हो जाता है और जो चिकन का सूप है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है, वो थोड़ा लाइट ही अच्छा लगता है। तो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें कॉर्नफ्लोर। और ये सारा डाल दिया है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमें और 1 से 2 मिनट तक इसे बॉयल करना पड़ेगा। इसमें और एक चीज़ जानी बाकी है,
वो है अंडा। तो अंडा हम लोग इस्तेमाल करेंगे जस्ट उसका वाइटी। आप चाहे तो दो अंडे का वाइट यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक ही इस्तेमाल किया है। और ये हो गया है, जो सूप बॉईल हो रहा है उसमें हम डालेंगे। पहले मिक्स कर लें इसे। अब जैसे हमने कॉर्नफ्लोर डाला था वैसे ही हमें डालना है थोड़ा थोड़ा करके। और अंडा हमें डालना है जब सूप ऑलमोस्ट रेडी है, उसके जस्ट पहले। इसे अंडा डालने के बाद ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। और इसे हम लगभग और 20 से 30 सेकंड पकाएंगे और चिकन सूप रेडी हो जाएगा। नमक वगैरह आप इस टाइम पे चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा और ब्लैक पेपर चाहे तो डाल सकते हैं। और अभी ये रेडी हो गया है, अब इसे सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए इसे आप अपने फेवरेट बोल में निकाल लें। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आप इसे ज़रूर बना के खाएं। ये टेस्ट में तो बहुत बढ़िया है ही, साथ में ये सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल मिमीज़ किचन को सब्सक्राइब भी करें। इसे मैं गार्निश कर रही हूँ थोड़े से स्प्रिंग अनियन ग्रीन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।